आज का प्रोग्राम हम कुछ मिठास से शुरू करते हैं। हाँ चलिए, बात करने से अच्छा है खाना। तो लीजिए बिस्मिल्लाह, हाथ आगे बढ़ाइए, लो लो। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है, सबसे पहला रूल खाने पीने का क्या है, वो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोल के खाना। बिस्मिल्लाह बोलना भूल गए तो बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही, इसमें दोनों है, बिस्मिल्लाह ही फी अव्वल ही व आखिरी ही, या बिस्मिल्लाह ही अव्वल हु व आखिर हु। और क्या हम देख रहे हैं खाने में, एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो जो बड़ा वाला केक था ना मेरी तरफ था, आपकी तरफ एक थोड़ा छोटा वाला केक था, तो आपने अपना हाथ यहाँ करके ये बड़ा वाला ले लिया। इसमें एक रूल है, क्या रूल है, क्या रूल है, छोटा लेना चाहिए। नहीं, रूल ये है कि अपने सामने जो है उसमें से लो, कुल मिम्मा यलीक, जो सामने है उसमें से लो। अब मैंने भी जानबूझ के नहीं कहा था कि बड़ा वाला मेरी तरफ, बट हो गया था और मेरी नजर थी केक की तरफ, लेकिन वो केक। सेकंड और रूल बताइए उसमें, खाने पीने के, खाना खाने के बाद हेलो यहाँ पे बैठ। हाँ खाने पीने के क्या रूल्स है, और मेरे को भी। यस, एक मिनट रुक जाओ। पता है आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमर बिलाकिल असाबी वस्सहफा فقال انكم لا تدرون في ايه البرقه। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि फिंगर्स को और प्लेट को लिक करना चाहिए, हाँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कौन से हिस्से में बरका है। देखो हम लोग जो खाते हैं ना, इसके अंदर खाने में गिजा, खाना जो मिलता है ना उसमें गिजा होती है, लेकिन उसमें एक और चीज होती है और वो है बरका। बरका क्या है मालूम है, बरकत क्या है, बरकत जो खा रहे हैं उसमें भलाई मिले, सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, हाँ अच्छाई मिले, तो बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हो सकता है आपके फिंगर के ऊपर कुछ है बचा हुआ या प्लेट में कुछ बचा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको लिक करना चाहिए। चलो ये तो केक है, केक की क्रीम है, वो तो लिक करना कोई भी पसंद करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इसको क्या करना चाहिए, चाटना चाहिए, लिक करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ वो जाया नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, लिक करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें बरकत है, हो सकता है उसमें बरकत है, उसे लिक करने में बरकत है। अब लोग समझते हैं वो वेस्ट है, लेकिन हो सकता है बरकत उसी में, आपने पूरा खाना खाया, हो सकता है लास्ट पोर्शन में ही बरकत है और वही हो सकता है हाथ से छूट जाए। तो हैंड्स वॉश करने से पहले या वाइप करने से पहले क्या कर लेना चाहिए, उसे लिक करना चाहिए। अच्छा मान लो खाना अगर गिर गया तो क्या करेंगे, तो उठा के नहीं, उसे उठा के फेंक देंगे, नहीं उसे उठा के खाने का, उठा के खाएंगे। अब देखो ये टेबल है तो साफ है, हाँ दिख रहा है, तो अगर साफ है गंदा नहीं हुआ खाना तो उसे खा लेना चाहिए, और अगर गंदा हो गया तो क्या करेंगे, उसे उठा के खा लेना चाहिए। गंदा हो गया तो पेपर पे चाहिए। गंदा पोर्शन निकाल देंगे, साफ पोर्शन खा लेंगे इंशाल्लाह। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे शैतान के लिए मत छोड़ो। खाना अगर हमने छोड़ दिए, फेंक दिए, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, जितना खाते हैं उससे ज्यादा गिराते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्यों नहीं करना चाहिए, गंदी हैबिट है, गंदी हैबिट है, बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल बहुत गंदी हैबिट है। ये चाहिए हमारे गिफ्ट आपके बास्केट, बिल्कुल सही, और ये करना नहीं चाहिए, और गिर गया अगर तो क्या करना चाहिए, उठा के खा लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। ऐसा करेंगे कि जो गंदा पोर्शन है उठा करके बाजू वाली की प्लेट में डाल देंगे, आपको ज्यादा मिल गया आपके बाजू में जो है उनको नहीं मिला, तो क्या करोगे, उनको दे देंगे, थोड़ा उनको दे देंगे, ये शेयरिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना,
सब जो चिकन मटन आपके साइड पर है और बाजू वाले को कुछ भी नहीं मिला, आपके पास सब आ गया हाँ? या सब अच्छी अच्छी चीजें आपके पास है, बाजू वाले के पास नहीं है, आपको आलू पसंद है, सब आपके पास है, तो क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, थोड़ा उनके बारे में भी सोचेंगे हाँ? जैसे के? पड़ोसी के बारे में भी सोचना चाहिए, जो आपके बाजू में है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जब होता है तो लेकर बस सब कुछ मेरा, हाँ वैसा नहीं करना चाहिए हाँ। अच्छा तो ये बातें देखिए, हम देखते हैं कि हमारे दीन ने हमें सिखाया अल्लाह के बारे में सही बात, कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज सिखाया हाँ, हमें नमाज सिखाया, हमें रोज़ा सिखाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सारी चीज़ें सिखाई, साथ साथ में हमें जीने का तरीका भी सिखाया, हमें खाने पीने का तरीका भी सिखाया, हमें सोने उठने का तरीका भी सिखाया, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने का भी तरीका सिखाया हमें हमारे दीन ने। सब चीज़ें हमें सिखाई गई ताकि हम सही रास्ते पर चलें, हम लोग गलत रास्ते पर ना चलें। तो खाने के अंदर भी क्या क्या बातें याद रखेंगे, चलो बताओ जल्दी। खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो खाना खत्म किया, अभी दुआ पढ़ेंगे। वेरी गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा, तारीफ अल्लाह की जिसने हमें ये खिलाया। कौन खिलाता है खाना? अल्लाह ताला खिलाते हैं। खाना जो मिलता है वो हमारी कोशिश से नहीं मिलता है, अल्लाह ताला देते हैं तो हमें मिलता है। अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी ही, और मुझे रिस्क दिया ये, मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरी कोशिश और ताकत के बगैर, क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग करते हैं लेकिन रिस्क देने वाला अल्लाह है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। मालूम है आपको, ऐसी ऐसी मच्छियां हैं पानी में जो इतनी सारी फिशेस को खाती है, टन के टन हाँ, जैसे कि पूरे के पूरे छोटे 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 बहुत सारी फिशेस को टुक करके एक साथ में खाती है, ऐसी ऐसी बिग बिग फिश है, हाँ बड़े बड़े फिशेस, उनको रिस्क कौन देता है? अल्लाह। उनको रिस्क कौन देता है? उनको भी रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह। और छोटे छोटे होते हैं बैक्टीरिया वायरस, वो वायरस को खाना कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह ताला देते हैं, तो अल्लाह ताला सबको खाना देते हैं, रिज़्क़ देते हैं, रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह। तो हम लोग याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह की तारीफ। मालूम है आपको, अगर खाते खाते हर नुवाले और लुकमे के बाद भी अगर कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये भी एक अच्छी चीज है, मुस्तहब है, रिकमेंडेड है हाँ। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये दुआ पढ़ते इंशाल्लाह। देखिए बहुत से लोग खाते हैं पीते हैं लेकिन सोचते ही नहीं है कि उन्हें रिस्क किसने दिया, सोचते नहीं है। हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग शुरू में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। एंडिंग में क्या होगा? वेरी गुड माशाल्लाह। और बताओ कौन से हैंड से खाना खाना चाहिए? राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड से कौन खाता है मालूम? शैतान खाता है। और आप लोग शैतान को खाना देंगे? नहीं। शैतान हमें कहाँ पहुँचाना चाहता है? जहन्नम की आग में। और हम उसको अपना खाना देंगे? नहीं। तो इन शैतान या कुलू बिशमाली ही वो या शबू बिशमाली ही, शैतान अपने उल्टे हाथ से खाता है और उल्टे हाथ से पीता है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? खाते है सीधे हाथ से, पीते है उल्टे हाथ से, हाँ ये सही है गलत है? गलत है। खाएंगे किससे? राइट हैंड से, और पिएंगे भी राइट हैंड से। लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से? राइट। वेरी गुड। पिएंगे भी, इसको रखो, अब पियो हाँ। फिर कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग लेफ्ट हैंड से पीते हैं और राइट हैंड को सिर्फ टच करते हैं, देखा आपने? हाँ। राइट हैंड टच करते हैं, क्यों टच करते हैं मालूम है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है मालूम? इलेक्ट्रिक करंट मालूम है? इलेक्ट्रिक करंट देखा आपने? इलेक्ट्रिक करंट वायर में ना यहाँ से स्टार्ट होता है, तो वायर से ना वायर अगर दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, मालूम है आपको? तो ये राइट हैंड का इलेक्ट्रिक करंट हाँ, ये लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है? राइट हैंड टच करके लेफ्ट हैंड बन जाता है? लेफ्ट हैंड राइट बन जाएगा? नो no. ये जिस हाथ में है वो हाथ में है, अगर लेफ्ट हैंड में है तो लेफ्ट हैंड हुआ है ना हाँ, राइट हैंड है तो राइट हुआ। तो क्या होना चाहिए, कौन से हैंड में होना चाहिए? राइट। कौन से हैंड में होना चाहिए? राइट। राइट हैंड में खाएंगे भी और पिएंगे भी। अच्छा खाना और पीना दोनों कौन से हैंड से करेंगे? राइट। क्योंकि शैतान अपने लेफ्ट हैंड से खाता है
हुआ ये और लेफ्ट हैंड से पीता है, सही मुस्लिम की हदीस। हम लोग राइट हैंड से खाना है और पीना है। और इलेक्ट्रिक करंट नहीं देना है, वो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी है, ये इलेक्ट्रिसिटी निकलती है हैंड में से, राइट हैंड में से इलेक्ट्रिसिटी जाके लेफ्ट हैंड में से चली आएगी, नहीं। हाँ तो राइट हैंड। अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं, अगर हैंड डर्टी है फिर क्या करें, लेफ्ट हैंड से पी लें। कोई कोई लोग लेफ्ट हैंड से नहीं पीना, राइट हैंड से पीना। यस, तो कैसे पिएंगे, उंगली चाट लेंगे। यस, अभी तो सीखे हम लोगों ने, हाँ वो भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उंगली लिख करके पानी। अब देखो मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसे पकड़ते हैं ना, ऐसे देखो ऐसा पकड़ रहा हूँ ना मैं, तो इसमें फिंगर्स अगर डर्टी भी है तो भी ग्लास डर्टी नहीं हो रहा है। हाँ ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है, कि अगर ग्लास डर्टी होता है थोड़ा सा होने दो, सुन्नत को डर्टी नहीं होने दो, सुन्नत जो है उसे हम डर्टी नहीं होने दो। सुन्नत क्या है, राइट हैंड से खाना पीना, सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो कर लेंगे वहां पर। हाँ और बताओ, और क्या, और हैंड वॉश नहीं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, खाने पीने के कुछ आदाब सीखे। हम लोगों ने ये सीखा कि राइट हैंड से खाना चाहिए, सामने क्या है वो लेना चाहिए, सामने वहां से नहीं लेना चाहिए, सामने जो है वो लेना, वो खाना चाहिए। और खाने के बाद क्या करना चाहिए, फिंगर्स को और प्लेट को क्योंकि हो सकता है ये खाना जो फिंगर पे लगा हुआ है और हम लोग वॉश कर लें, इसके अंदर हो सकता है बरकत थी और वो बरकत चली गई। हाँ वो बरकत चली गई, तो ऐसा करेंगे नहीं। और हो सकता है ये प्लेट जो फेंक दें लोग, लेकिन हो सकता है उसके अंदर बरकत थी और वो चली गई, तो बरकत को वेस्ट नहीं करना है। और क्या है, हमने क्या सीखा कि गिर गया अगर तो उसको उठा के तो खा लेना चाहिए, और छोड़ेंगे तो कौन खाएगा, वो शैतान खाएगा। शैतान को खाना देंगे नहीं देंगे। और क्या सीखा हमने, और अगर जब खाना नीचे गिर जाएगा गंदा हो जाएगा, जितना गंदा हो जाएगा उसको, और जितना गंदा नहीं हुआ उसको खा लेंगे। हाँ यस बिल्कुल सही। और हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुंचता है, राइट हैंड में होना चाहिए। हाँ सब कुछ राइट हैंड से ही करना चाहिए, खाना पीना राइट हैंड से होना चाहिए। हाँ ओके, और क्या सीखे हमने, और है ना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना है। बिल्कुल सही, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाने के बाद में अगर बिस्मिल्लाह भूल जाएगी तो बीच में बिस्मिल्लाह। वेरी गुड। हाँ ये सब बातें हमने सीखी, ये सब बातें याद रखेंगे तो हर खाने के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह अजर मिलेगा। खाना भी खाए, खाना भी मिला, अजर भी मिला, बरकत भी मिली, खैर भी मिली, भलाई भी मिली। और हो सकता है कि कोई खाना खाया अल्लाह को भूल कर और शैतान को स्ट्रांग बनाया। हाँ शैतान को स्ट्रांग बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो कौन है, हमारा दुश्मन है। हम लोग शैतान को डिफीट करना चाहते हैं, हम लोग ये नहीं चाहते शैतान हमें डिफीट करे। हाँ तो अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमांड्स, उनके हुक्मों को, उनकी बताई हुई सुन्नत को फॉलो करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।